प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों को चित्रकला में हम जा रहे हैं बताने के लिए मानव आकृति के बारे में। मानव आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मानव का चित्र, किसी महिला का चित्र, किसी पुरुष का चित्र या सर पर लिए हुए गगरी ले जाती हुई महिला का चित्रण, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज हम आपको मानव आकृति, हमने शुरू में आपको बताए थे कि तीन खंडों में जो है बटा रहता है। एक प्रथम खंड में जो है तीन क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। एक तो आपके ज्यामिति कला होता है, एक प्राकृतिक दृश्य होता है और एक आलेखन होता है। तो आपको, और दूसरी खंड में आपका आता है मानव आकृति। मानव आकृति में मानव से संबंधित जो चित्रण किया गया है, इसमें इसमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा परीक्षा में। और भारतीय चित्रकला को जो है, जैसे हमने बताए थे पिछले बार में कि भारतीय चित्रकला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अधिकांश जो है बच्चे मानव आकृति को ही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। तो इसमें जो है हम आपको केवल दो ही क्वेश्चन करना भी पड़ता है। एक क्वेश्चन जो है आपको जो है प्रथम खंड से और दूसरा जो है मानव आकृति से आपको करना होता है। तो हम आपको जो है आज मानव के मुखांगों का चित्र, इसे मानव का एक पूरा मुख है, मुख में आप मुख से संबंधित मुखांगों का चित्रण का संबंध में आपका आँख, कान, नाक, ये सब आपके आ जाता है। उसी का मैंने आज आपको, चूँकि इसको हम एक थोड़ा सा एक दो हम बना करके आपको अभ्यास करा रहे हैं, आप इसको बनाएं हमारे साथ, देखें कैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे पहले दिया है आँख, आँख को मैंने बना रहा हूँ। आँख का जो रूप होता है वो कई तरह की आँख का रूप होता है। एक आँख रोने का आँख, हंसने का चेहरा, ऐसे तमाम इस तरह का नेत्र जो है बनाए जाते हैं। तो आज हम एक और जो है आपको आँख का अभ्यास बता रहे हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देखें। एक इस तरह से भी आँख कहीं दिखने को जो है बनाया जाता है, मिलता है। एक जो है इस तरह से भी आँख, इसमें इसमें हाई
इस तरह से जो है आँख आपके हाथ में बनाने के लिए, तो आप इस आँख, फिर आपके नाक का चित्रण है, नाक क्या कृति भी आप देख लें कि ऐसे कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पर एक आकृति बनती है भी के आकार की तरह, तो कहने नाक एक इस तरह से भी नाक बनता है। और जो है नाक में कई तरह के एक जैसे तो इस तरह से भी नाक देखने को आपको मिलता है। इस तरह से भी आप नाक का अभ्यास कर लेंगे, बना लेंगे अपने कापी पर। ओठ का आता है तो ओठ का भी आप एक ओठ ऐसे बनाया जाता है, ये मिला करके जो है इसमें सटा देंगे हम, इसको मिला देंगे। ओठ एक ओठ जो है ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है एक ओट। तो ओट की आकृति है, तो आप लोग ओट कहीं कहीं भी सेट करने के लिए तो आप इसको बना देंगे। कान का जहाँ तक का सवाल है, कान का भी जैसे कान जो भी का सेटिंग आता है, आप एक ऐसे भी बना दोगे एक कान का हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं तो एक इस तरह से का भी अभ्यास में आता है, जो यहाँ पर मिला देते हैं। तो यह आपकी कान का हो गया, हो गया इस तरह का जो है आप भी रफ कार्य को जो जो है कर लेंगे, बना लेंगे इसको। और जो है इसलिए हमने आपको यहाँ पर मानव के मुखांगों का चित्रण इसलिए हम बता रहे हैं कि जब हम मानव का चित्र पूर्ण रूप से जब हम बनाएंगे तो आपको आँख सेट करने के लिए आएगा, नाक भी बनाने के लिए आएगा सेट। तो इसको जो है आप लोग पूर्व अभ्यास कर लेंगे कान ओठ का। इसके बाद से हम आपको जो है अगले टर्न पर हम आपको चाहे अभी हम पुनः फिर से बता दे रहा हूँ कि आप जो है एक यह बनाने के बाद से आप जो है एक और हम बता रहे हैं आपके कुछ जो है विभिन्न आपके जैसे अंगुलियाँ हैं, हाथ हैं, हाथ का भी सेटिंग आता है। तो आप हाथ का भी एक देख लें कि हाथ की पंजे जो है कैसे बनाए जाते हैं, पैर की अंगुलियां कैसे बनती है। तो आइए देखें, हम आपको जो है यह मिटा दे रहे हैं हम, और आप इसको बना लेना। पुनः हम यहाँ पर आपको एक हाथ का भी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसको जो है आप लोग बनाएंगे कि हाथ का जो ये पंजा है, जैसे मान लो एक ऐसे हम कर लेंगे, करने के बाद से क्या करेंगे इसको हम, फिर यहाँ से हम ऐसे करने के बाद यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद से हम पुनः फिर से हम यहाँ पर जो है इसको ले जाएंगे और इसी को हम इन्हीं को मिलाते हुए हम पुनः जो है हम ऐसे जो है कर देंगे। करने के बाद चूंकि यह थोड़ा सा बड़ा में आ जाता है,
ये बनाने के बाद से, इतना करने के बाद से पुनः आपके जो है इस ये मिलेगा, और केवल आपको यहाँ से जो है आप केवल ऐसे ही कर दोगे। इतना करने के बाद पुनः फिर आप जो है इतना कर लोगे, इसके बाद फिर आप इतना कर, ये करने के बाद से जो इस तरह की जो है बनाया जाता है इसमें। ये जो अंगुलियां हैं आपके, और इन उंगलियों में आप जानती भी हैं कि इस तरह का चिन्ह, ये जो आप लोग इसको गांठ के रूप में जो आप लोग कहते हैं, और इसमें जो है रेखाएं जो है, तो इस तरह से जो है हाथ भी कहीं कहीं आते हैं सेट करने के लिए। तो आप लोग हाथ का भी, विभिन्न हाथों पैरों का भी है, तो एक हाथ का आपका हम सेट बताइए, फिर एक हाथ जो है हम आपको बता दें कि जैसे एक हाथ ऐसे मान लो, इस तरह से कर दे, करने के बाद से हम क्या करेंगे इसमें ऐसे जो मिलाते हैं इसमें जो है ऐसे करते गए, करने के बाद से फिर हम यहाँ से एक मोड़ते हुए दिखा देंगे, फिर यहाँ से एक ब्रेक करके ये जो है ऐसे हम यहाँ पर जो है एक करने के बाद से हम क्या करेंगे, ये जो अंगुली जो है यहाँ पर टच हुई है, जो मुड़ी हुई है, और यह जो है आपके ऐसे नाखून के रूप में बताया गया है, यह तो सेटिंग में कई तरह का जो है आपके बनाने के लिए आता है। उंगलियों इसमें चूंकि हमने आपको कई ठू, यह मुड़ी हुई है, यह मुड़ा हुआ है, तो कहने का आशय यह है कि मुड़ी हुई जो है आपके इसमें दिखाई आपको बहुत कम देगा, इस यहाँ पर जो है देगा लेकिन बहुत ही कम, जैसे ऐसे में मुड़ी हुई है, यह पहले यह उंगली है, इसकी उंगली है, फिर इस तरह से मुड़ी हुई, ये मुड़ी हुई उंगलियाँ हैं। पुनः फिर मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ, इसमें देखिए आप जैसे कि कुछ एक ऐसे भी होता है, ये आपकी है, ये नाखून ये है,
तो अंगुलियों का जो सेटिंग है आपके, इस तरह से जो है आप लोग बना लेंगे कला की किताब से देख करके, ये अंगुलियों का चित्र आप जो है कर लेंगे। और करने के बाद से कॉपी पर आप लोग इसको बना करके, और इसका जो है पेंसिल से ही सेट कर लेंगे, क्योंकि पेंसिल से ही आता है बनाने के लिए। तो आप लोग पेंसिल का ही आप लोग इसका जो है प्रयोग करेंगे, पेंसिल का सीधे सीधे आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग अंगुलियों के बारे में, फिर हम अगले टर्न पर आपको जो है कुछ पैरों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि पैर की अंगुलियां किस तरह से बनाई जाती है, उसको आप लोगों को हम अगले टर्न पर फिर बताएंगे। आज बस केवल आपको इतना ही बता रहा हूँ, आप इसे बताना। धन्यवाद।